जो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल हैं उनका आपस में अंतर परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला अंतर परिवर्तन लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल वन प्रोपेनॉल, इसके जब सबसे पहले क्रिया करवाते हैं PCl5, फिर एल्कोली KOH या सांद्र एस्ट्रोसपोर्ट से क्रिया करवाते हैं तो इसमें तो ये प्रोपीन बनती है। ये प्रोपीन बनी, इस प्रोपीन की HI से क्रिया करवाई, HI से क्रिया करवाने का मतलब है इसका हेलोजिनेशन करवाया तो ये टू आयोडो प्रोपीन बनी, और इसकी नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया करवाने पर ये टू प्रोपेनॉल बना। दूसरा मेथड है कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इनटू टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को टर्सरी, ये वन प्रोपेनॉल प्राइमरी एल्कोहल, इसकी कंसनट्रेटेड एस्ट्रो सपोर्ट से क्रिया करी, ये एल्किन बनी। इसकी जब HI से क्रिया करवाया तो ये हेलो एल्केन बनी। इसकी एक्वस KOH से क्रिया करवाई तो ये एल्कोहल बना, सेकेंडरी एल्कोहल बना, और इसका फर्दर सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया तो ये कीटोन बना, और इस कीटोन का मैग्नीशियम ग्रिगनार रिएजेंट, पहले ग्रिगनार रिएजेंट से क्रिया करवाई फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये टर्सरी एल्कोहल हमें प्राप्त होता है। सेकेंडरी एल्कोहल को टर्सरी एल्कोहल में किस प्रकार से बदलते हैं, ये टू प्रोपेनॉल सेकेंडरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करवाया पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका ऑक्सीडेशन करवाया सेकेंडरी एल्कोहल का तो ये कीटोन में कन्वर्ट हुआ। इसके जो कीटोन में कन्वर्जन हुआ, इस कीटोन का जब एल्किल मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करवाई, ग्रिगनार रिएजेंट से क्रिया करवाया, फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये टर्सरी एल्कोहल हमें प्राप्त हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्कोहल इंटू ए हायर एल्कोहल। लोअर एल्कोहल को हायर एल्कोहल में बदलने का मतलब ये है कि एल्कोहल जो पहले मूल एल्कोहल है उसमें से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें बढ़ाने हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने का सीधा सा तरीका है कि कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हमें उसमें ऐड करना होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा सके। जैसे ये प्राइमरी एल्कोहल, इसकी फास्फोरस और आयोडीन से क्रिया करवाई एल्किल हैलाइड बना, इसकी पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करवाई एल्किल साइनाइड बना, इस एल्किल साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये एसिड बना। तो एसिड देखिए, एसिड था और ये एल्कोहल था, इसमें एक कार्बन एटम एसिड के कारण बढ़ गया है। तो और जब इसका LI लिथियम एल्युमिनाइड से रिडक्शन करवाएं, तो ये एल्कोहल बन गया। दूसरा, ये जो साइनाइड बना था, इस साइनाइड का सोडियम और एल्कोहल की उपस्थिति में जब अपचयन करवाते हैं तो ये मेथिल एमीन बनी, और इस एमीन का जब SNO2 से क्रिया करवाते हैं तो ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया, और इसमें इस एल्कोहल में एक कार्बन एटम बढ़ा हुआ है। कन्वर्जन ऑफ हायर एल्कोहल इनटू लोअर एल्कोहल, हायर एल्कोहल को लोअर एल्कोहल में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ये एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करवाया, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिला, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया तो ये एसिड मिला, और इस एसिड का जब NaOH से क्रिया कराया तो सोडियम एसीटेट, और इस सोडियम एसीटेट के जब NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, है ना, और ये RH एल्केन बनी। इस एल्केन की जब क्लोरीन से क्रिया करवाई तो एल्किल हैलाइड बना, और इस एल्किल हैलाइड की जब एक्वस KOH से क्रिया करवाई, इस एल्किल हैलाइड के एल्कोहल KOH से क्रिया करवाई तो ये प्राइमरी एल्कोहल बना, और इसमें एक कार्बन एटम की कमी हुई तो ये लोअर एल्कोहल है। हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल एक दूसरे तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करवाया, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया एसिड मिला, इस एसिड के अमोनिया से क्रिया करवाई तो अमोनियम एसीटेट, और जब इसको हीट किया
और जब इसको गर्म करते हैं तभी ये हमें मिल जाता है।